हाय दोस्तों, आज हम 2011 में आई थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म द क्लाइंट की स्टोरी ब्रीफ में सुनेंगे। ये फिल्म सियोंग नाम के एक लॉयर की कहानी है जो अपने क्लाइंट हान को सीरियल मर्डर केस से बाहर निकालने के लिए केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है। इस फिल्म को IMDb पर मिले हैं 6.9 स्टार्स और 92% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। फिल्म की शुरुआत में हान अपनी कार में अपने घर जा रहा होता है। अपनी बिल्डिंग के पास पहुंचने पर उसे काफ़ी पुलिस दिखती हैं और एम्बुलेंस भी। जैसे ही वो अपने घर की तरफ आता है, उसके घर का दरवाज़ा खुला होता है और अंदर काफ़ी पुलिस वाले होते हैं। हान अपने बेडरूम के पास आकर देखता है कि बेड पर काफ़ी खून था जो टपकता हुआ नीचे फ्लोर तक आ रहा था, और तभी पुलिस उसे उसकी वाइफ के मर्डर चार्जेस पर अरेस्ट कर लेती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोसिक्यूटर द्वारा बोला जाता है कि हान ने अपनी वाइफ का मर्डर करके उसकी डेड बॉडी कहीं छुपा दी है। सीन अब होवान पर आती है। वो एक बेसबॉल प्रैक्टिस ग्राउंड में सियोंग से मिलने आता है जो प्रोफेशनली एक लॉयर होता है। हान के इंसिस्ट करने पर वो सियोंग को हान का केस लेने बोलता है, जिस पर सियोंग को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि प्रोसिक्यूटर के पास हान के खिलाफ काफ़ी सारे सबूत थे। सीन अब हान पर आती है। वो प्रिजन में अपने आप को फांसी लगाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। सीन फिर से सियोंग पर उसे घर में आती है। तभी उसे होवान का कॉल आता है। फोन के दूसरी साइड से बोला जाता है कि हान ने सुसाइड करने की कोशिश की है। अब सियोंग हान को हॉस्पिटल में देखकर वो क्राइम सीन पर इंस्पेक्शन के लिए जाता है। कुछ ही देर में उसकी सेक्रेटरी परसर भी उसे ज्वाइन करती है। दोनों हान के घर से निकलते हैं और वो सियोंग को केस की डिटेल्स दे रही होती हैं कि मर्डर वेपन और बॉडी दोनों गायब हैं। शायद हान ने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया हो और एक विक्टिम की तरह बाद में फिर से घर गया हो। हान के बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास होती हैं और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को एज एन एविडेंस यूज नहीं किया। शायद हान सीसीटीवी में नजर नहीं आया हो। पर सर ये भी बोलती है कि हान के खुद के घर से उसकी फिंगरप्रिंट्स, DNA और ना ही उसका एक बाल मिला है। परसर की बातों से ऐसे लग रहा था कि हान उस घर में नहीं रहता। सियोंग अब हान से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उसकी उंगलियों पर फिंगरप्रिंट्स भी नहीं होती क्योंकि फिंगरप्रिंट्स डैमेज होती हैं। वो उसकी वाइफ के बारे में पूछने लगता है, जैसे कि क्या उसका कोई दूसरा अफेयर था, जिस पर हान हाँ बोलता है, बट उसे ये नहीं पता कि कौन था। सियोंग अब प्रोसिक्यूटर लॉयर मिनहो से मिलने टेनिस कोर्ट में आता है। वो उसे हान की वाइफ के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है कि उसका जिक्र पुलिस रिपोर्ट में क्यों नहीं है, जिस पर मिनहो बोलता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। और सियोंग जाते जाते बोलता है कि वो फोन रिकॉर्ड्स निकलवा सकता है, जिससे शायद ऐसा आदमी मिल जाए जिस पर शक किया जा सके कि उसका कोई बॉयफ्रेंड था। अगले दिन सियोंग अपनी ऑफिस में आता है। वहाँ उसकी सेक्रेटरी उसे हान का केस लेने पर दोबारा सोचने के लिए बोलती है। वो इग्नोर करता हुआ हान के बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज ढूंढकर लाने बोलता है क्योंकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज एविडेंस लिस्ट में नहीं रखा था। अगर वो डिलीट भी हुई है तो डिलीट होने का सबूत लाकर दो। तभी उन्हें पता चलता है कि 3 दिन बाद हान का ट्रायल शुरू होने वाला है और परसर बोलती है कि पुलिस ने अभी से हान को मुजरिम मान लिया है, इसीलिए शायद इतनी जल्दबाजी हो रही है। उस रात वो हान के केस को स्टडी करता हुआ लेट नाइट अपने घर पहुंचता है। अगले दिन वो अपनी दोनों एम्प्लॉयज़ को अपने कैबिन में बुलाकर अपनी दलीलें दोनों के सामने रखता है। वो बोलता है कि सीसीटीवी फुटेज एविडेंस लिस्ट में क्यों नहीं है। इस केस में पुलिस ने इतनी जल्दबाजी की है जैसे कि उन्हें पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है। जैसे कि रात में 1:30 बजे पुलिस हान के घर पहुँचती है और सुबह 5:30 बजे उसे अरेस्ट कर लेती है। हान के फ्लैट के नीचे रहने वाले का स्टेटमेंट होता है कि उसने रात 1:30 बजे हान को आते देखा था। ऑब्वियसली वो शायद झूठ बोल रहा हो। हान की मदर इन लॉ अपने स्टेटमेंट में बोलती है कि मर्डर के 3 दिन पहले वो अपनी बेटी से मिली थी और उसकी बेटी ने उसे बताया था कि हान उसकी जान लेना चाहता है। वो हान से नफरत करती थी, शायद इसीलिए अपनी स्टोरी बना रही हो। सबसे मेन बात, हान के घर के लिविंग रूम से बल्ब क्यों निकाले गए? अगर वो पुलिस ने नहीं निकाले तो शायद मर्डरर ने निकाले होंगे, बट क्यों? जाते जाते सियोंग अपने दोनों सेक्रेटरी को बोलता है कि हमारे पास वक्त नहीं है। वो दोनों को डिटेक्टिव और हान की मदर इन लॉ से मिलने बोलता है।
और सियोंग भी होवान से एक रेस्टोरेंट में मिलने जाता है। वो उसे बोलता है कि हान के स्टेटमेंट के हिसाब से उसने एक हाईवे लिया था। मर्डर की रात वो काफ़ी थका हुआ था और उसकी कार हाईवे पर क्रैश हुई थी। सियोंग ये भी बोलता है कि अगर हमें विटनेस नहीं भी मिला तो हमें क्रैश साइट से कुछ जानकारी मिल सकती है। अगर वो सच बोल रहा है तो मर्डर करके वापस हाईवे लेकर अपने घर आने में उसे काफ़ी टाइम लग जाता, बट 5:30 बजे उसे अरेस्ट कर लिया गया। होवान उसे बोलता है कि 3 दिन में हान का ट्रायल शुरू होने वाला है। विटनेस ढूंढना और क्रैश साइट को इंस्पेक्शन करना 3 दिन में नहीं हो पाएगा, जिस पर सियोंग बोलता है कि वो ट्रायल पोस्टपोन करवा देगा। सीन अब चीफ प्रोसिक्यूटर पर आती है। वो जज से उसकी ऑफिस में मिलने जाता है। खाना खाते हुए चीफ प्रोसिक्यूटर जज को बोलता है कि हान की तरफ से अभी तक ऑफिशियली कोई डिफेंडेंट का अप्रूवल नहीं आया है। जज को देरी ना करते हुए फैसला जल्दी से सुना देना चाहिए। और वो जज को ब्लैकमेल करता हुआ उसके प्रमोशन की बात करता है। तभी जज की ऑफिस में एक लेटर आता है जो कि सियोंग की तरफ से था। उसमें लिखा होता है कि हान ने ज्यूरी ट्रायल की रिक्वेस्ट की है और अब उसकी ट्रायल 2 हफ्ते आगे बढ़ चुकी है। कोर्ट ट्रायल में जज हियरिंग करता है, बट ज्यूरी ट्रायल में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रायल करते हैं, लाइक अ पंचायत। 1959 में इंडिया में ऑलमोस्ट ज्यूरी ट्रायल को एबॉलिश कर दिया था ड्यूरिंग द मोस्ट फेमस नानावती केस, जिस पर बॉलीवुड में रुस्तम नाम की फिल्म भी बनी है, और 1973 में लास्ट ज्यूरी ट्रायल हुआ था। एनीवेज, होवान अब हान के वर्कप्लेस से उसकी जानकारी लेने लगता है। यहाँ सियोंग भी अब हान की बिल्डिंग के सिक्योरिटी से विटनेस के बारे में पूछने लगता है, जो हान के फ्लैट के नीचे वाले फ्लैट में रहा करता था। सिक्योरिटी बोलता है कि उसने उसे काफ़ी दिनों से नहीं देखा और मर्डर की रात उसे पार्किंग में किसी की परछाई दिखी थी। और सियोंग सिक्योरिटी से सीसीटीवी के बारे में पूछता है। सियोंग अब सीसीटीवी मेंटेन करने वाली एक कंपनी में आता है। वहां से सियोंग को पता चलता है कि डिटेक्टिव ली रात 1:30 बजे से पहले ही सीसीटीवी फुटेज लेकर चला गया था। अब यहाँ सियोंग को डाउट आता है कि रात 1:30 बजे पुलिस हान के घर पहुंची थी और उसके पहले ही डिटेक्टिव ली ने हान के घर का सीसीटीवी फुटेज भी लिया था। होवान हाईवे पर एक्सीडेंट विटनेस ढूंढ रहा होता है और ज्यूरी ट्रायल भी शुरू होता है। प्रोसिक्यूटर के अनुसार घर पर किसी की फोर्स्ड एंट्री नहीं थी और ना ही किसी के फिंगरप्रिंट्स मिले और ना ही वहाँ डेड बॉडी थी, बट क्राइम सीन पर ब्लड क्वांटिटी को देखकर कंफर्म डेड का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सियोंग हान की वाइफ के वर्कप्लेस पर उसके बारे में जानकारी लेने जाता है। वहाँ से उसे पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिशियस थी। वो डिप्रेशन का इलाज भी करवा रही थी और उसकी मदर हान को पसंद नहीं करती थी। सीन अब प्रोसिक्यूटर की ऑफिस में आती है। वो हान के घर की सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है। सीसीटीवी में उसे एक आदमी जाता हुआ दिखता है और तभी वो फुटेज को डिलीट कर देता है। सेक्रेटरी परसर भी सीसीटीवी फुटेज ढूंढने की कोशिश कर रही होती हैं और तभी उसकी कार में डिटेक्टिव ली छुपता हुआ ज़बरदस्ती आकर बैठ जाता है। वो परसर को बोलता है कि प्रोसिक्यूटर ने सीसीटीवी की फुटेज डिलीट कर दी है और उसी के कहने पर उसने फुटेज निकाल ली थी। अगर परसर चाहे तो वो उसकी कॉपी दे सकता है, बट इन रिटर्न वो डिटेक्टिव ली को केस में इन्वॉल्व ना करने बोलता है। जैसे ही प्रोसिक्यूटर को पता चलता है कि सियोंग ने डिटेक्टिव ली को विटनेस लिस्ट से निकाल दिया है, उसे शक होता है और वो ली को धमकी देने लगता है, जिससे डिटेक्टिव ली डर कर सियोंग को सीसीटीवी फुटेज की कॉपी देने से मना कर देता है। परसर सियोंग को सजेस्ट करती हैं कि उन्हें विटनेस खरीद लेना चाहिए क्योंकि उनके पास अब दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं होता। सियोंग बोलता है कि वो कोर्ट में ली को विटनेस बॉक्स में खड़ा करके पूछ लेगा, बट परसर का कुछ और ही मानना था। वो बोलती है कि अगर सीसीटीवी में हान रहा तो वो केस को बचा नहीं पाएंगे। फिर भी सियोंग मना करके चला जाता है। सियोंग जब अपने घर पहुंचता है वो देखता है कि उसके घर के डोर का लॉक खुला था। अंदर जाने पर उसे एक एनवलप मिलता है जिसमें हान और पुराने केस की डिटेल होती है। सियोंग अब हुवान से मिलता है। वो उसे एनवलप मिलने की बात बताता है और बोलता है कि कुछ टाइम पहले एक हाई स्कूल की लड़की का रेप और मर्डर हुआ था। सस्पेक्ट की लिस्ट में सबसे पहला नाम हान का ही था और 3 दिनों तक उसकी पूछताछ की गई थी, बट कोई एविडेंस ना होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया था। सीन अब प्रोसिक्यूटर पर आती है।
वो एक आदमी के साथ बात कर रहा होता है। दोनों की बातों से लग रहा था कि सियांग को जो एनवलप मिला है वो प्रोसिक्यूटर ने ही भिजवाया था। सियांग अब पुलिस ऑफिसर से मिलता है जो हाई स्कूल गर्ल के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उसे पता चलता है कि उस केस में हान सस्पेक्ट था, क्योंकि उन्हें वो एक सीरियल किलर की तरह लग रहा था। ना ही कुछ बोलना, फेस पर इमोशंस ना होना और उसकी फिंगरप्रिंट्स भी डैमेज थी। उस केस में भी प्रोसिक्यूटर मिन हो ही था, जो इस केस में प्रोसिक्यूटर है। सियांग अब हान से मिलने जेल जाता है। वो उसे सारी बातें बोलने बोलता है। वो हान को पूछता है कि क्या उसी ने उसकी वाइफ का मर्डर किया है। हान बस एक ही बात बोलता है कि उसने सियांग से बातें छुपाई थी, क्योंकि सियांग भी उसे ऐसे ही नजरों से देखता है जैसे पुलिस वाले उसे देखते हैं, और बोलता है कि उसने उसकी वाइफ का मर्डर नहीं किया। सियांग जब वहां से जा रहा होता है, परसर सियांग के पास आकर बोलती है कि सीसीटीवी में हान नहीं बल्कि कोई और है। बट सियांग उसे बोलता है कि अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हाई स्कूल गर्ल की किलिंग में सस्पेक्ट हान ही था और इस केस में भी, शायद हम केस हार जाएंगे। कोर्टरूम में प्रोसिक्यूटर जियांग की मदर से क्वेश्चनिंग कर रहा होता है। वो बोलती है कि उसके मर्डर के 3 दिन पहले वो उसके घर आई थी। वो बोल रही थी कि उसने जिस आदमी से शादी की है वो हान नहीं है और वो शायद उसे मार देगा। शादी के पहले वो बिल्कुल नॉर्मल थी, बट शादी के बाद वो बदल गई। सियांग भी उसे क्वेश्चनिंग करता है। वो पूछता है कि उसके पास पूरे 3 दिन थे, अगर जियांग ने बोला था कि हान उसे मार देगा तो उसने कुछ क्यों नहीं किया। शादी के पहले भी जियांग 2 महीने तक अपने काम पर नहीं गई थी। पूछने पर जियांग की मदर बोलती है कि उसे मेडिटेशन के लिए भेजा गया था। वो कंटिन्यू बोलती रहती है कि हान एक राक्षस है, उसी ने मेरी बेटी की हत्या की है। सियांग अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में बोलता है कि वो अपनी बेटी के लिए ऑब्सेस्ड थी, उसकी बेटी ने उसके खिलाफ जाकर शादी की थी, इसीलिए वो हान से नफरत करती है, शायद इसीलिए वो उसे फंसा रही है। और कोर्टरूम में अब उस ऑफिसर को लाया जाता है जो हाई स्कूल गर्ल के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। वो बोलता है कि उस केस में हान ही इकलौता सस्पेक्ट था, बट एविडेंस ना होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया था। बाद में उसने उसके घर पर बग फिट किया था जिससे वो हान की बातें सुन सके और कुछ एविडेंस कलेक्ट कर सके। जब वो बग फिट कर रहा था, हान की वाइफ जियांग ने उसे देख लिया था। वो उस ऑफिसर की मदद करने के लिए मान जाती है। बाद में वो जियांग पर भी नज़र रखनी शुरू करता है। आगे बोलता है कि एक दिन अचानक से हान ने बिजनेस ट्रिप बनाई थी और कैंसिल करके शायद घर चला गया था, जिससे वो उसे ट्रैक नहीं कर पाया। जब वो उस रात हान के घर पहुंचा था, उसे बेड पर काफ़ी सारा खून दिखा था और उसी ने तभी पुलिस को इन्फॉर्म किया था। हान के घर के सीसीटीवी फुटेज में भी इसी ऑफिसर को देखा गया था, ना कि हान को। सियांग आगे बोलता है कि डिटेक्टिव ली के पास एविडेंस नहीं थे, फिर भी वो हान के पीछे पड़ा रहा। और आगे बोलता है कि उस हाई स्कूल गर्ल के केस में भी प्रोसिक्यूटर मिनहो ही था और इस केस में भी। और तभी हुवान एक आदमी को पकड़ कर लाता है जिसने हान को हाईवे पर देखा था। वो कोर्टरूम में बोलता है कि दिसंबर 9 को रात 1:30 एक सिल्वर कलर की एसयूवी ने उसके बेटे को टक्कर मारी थी। इससे ये प्रूफ होता है कि हान मर्डर के वक्त हाईवे पर था। आगे सियांग हान को विटनेस बॉक्स में बुलाता है। वो हान को इमोशनल करके सारी बातें पूछना चाहता है। हान बोलता है कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था, बट उसे याद आया था कि उस दिन उसकी मैरिज एनिवर्सरी है, और वो रिटर्न अपने घर की ओर निकल पड़ा। रात का समय था, रेस्ट ना लेने की वजह से उससे हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ। सियांग के पूछने पर वो आगे बोलता है कि सब लोग यही बोलते हैं कि उसी ने उसकी वाइफ का मर्डर किया है। दिन के 12 घंटे केमिकल्स के साथ काम करने की वजह से उसके फिंगरप्रिंट्स खराब हो गए हैं। जब भी वो अपने आप को आईने में देखता है, उसे एक कातिल का चेहरा ही नजर आता है, बट उसने अपनी वाइफ का मर्डर नहीं किया। वो अपनी वाइफ से प्यार करता है। वो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उसकी वाइफ अब नहीं रही। वो उसकी वाइफ को ढूंढने की रिक्वेस्ट करता है, और प्रोसिक्यूटर एडमिट करता है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की वजह से वो हान के पीछे पड़ा है। वो आगे बोलता है कि मासूम सा दिखने वाले चेहरे के पीछे
एक खतरनाक खूनी छुपा है। उसकी वाइफ को जब पता चला कि हान ने हाईस्कूल की एक लड़की का मर्डर किया है तो उसने शायद कुछ एविडेंस कलेक्ट किए होंगे और तब हान ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया। सियोंग अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में बोलता है कि सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस पर हान पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और वो डोर के पास पॉइंट करता हुआ बोलता है कि उसके तीन गिनने तक हान की वाइफ डोर खोलकर अंदर आएगी। अब कोर्टरूम में सारे लोग डोर को देखने लगते हैं बट कोई नहीं आता। वो जूरी को आगे बोलता है कि उसके ऐसे बोलने पर सभी लोग डोर की तरफ देखने लगे क्योंकि उनके मन में डाउट आया था कि क्या सच में हान की वाइफ जिंदा है। बिना किसी फिजिकल एविडेंस के हान को गिल्टी ना मानते हुए उसे फ्री कर दिया जाता है। प्रोसिक्यूटर कोर्ट में जाते जाते सियोंग को बोलता है कि तीन गिनने पर सभी लोग पीछे पलटे थे सिवाय हान के। और तभी सियोंग को होवान एक डैम की फोटो सेंड करके कॉल करता है। वो बोलता है कि हान पहले भी वहाँ अपनी वाइफ के साथ जा चुका है और उस डैम से थोड़ी सी दूरी पर ही बूढ़े आदमी की दुकान है जिसके बेटे को हान ने टक्कर मारी थी। हो सकता है कि मर्डर की रात वो अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर ही उस रास्ते से गुजरा था जिससे वो एक विटनेस बना सके। वो आगे बोलता है कि उस बूढ़े आदमी ने झूठ बोला था कि हान की गाड़ी से उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था बल्कि हान ने वहाँ खड़ी एक बाइक को टक्कर मारी थी जो उस बूढ़े आदमी के बेटे ने देखा था। सियोंग अब परेशान होता हुआ सोचता है कि हाई स्कूल की एक गर्ल का मर्डर भी डैम के पास हुआ था और हान उसी डैम के पास था। बूढ़े आदमी की दुकान भी डैम के पास ही है। दोनों केस में डैम ही प्राइमरी लोकेशन है। सियोंग अब हान से मिलने उसे घर आता है। वो हान को बोलता है कि मर्डरर जल्द ही पकड़ा जाएगा और व्यूवर्स को फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जैसे कि हान की वाइफ अपने घर पर एक दांत के सामने बैठकर रो रही थी। ये दांत उसी हाई स्कूल की लड़की का था जिसे हान ने मारा था। जियोंग जब रोती हुई हान से मर्डर के बारे में पूछती है वो उसे बेड पर लिटा कर चाकू से उसका मर्डर कर देता है और उसकी बॉडी कपड़े में लपट कर डैम में फेंक देता है। पुलिस फिर से हान को अरेस्ट करके ले जाती है और नेक्स्ट सीन में सियोंग और प्रोसिक्यूटर मिनहो को डैम के पास दिखाया जाता है। कुछ पुलिस ऑफिसर्स वहाँ जियोंग की डेड बॉडी ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें बॉडी मिल जाती है और फिल्म भी यहीं एंड हो जाती है। खैर आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा ये कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी हम अपनी अगली वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लाइक और शेयर भी करें। मैं फिर मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।